अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक है चकोर, तीतर या काला तीतर वगैरह की बीट पाक है या नापाक है। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं, मैं अपने घर में तीतर, चकोर और काला तीतर वगैरह पालता हूँ, क्या इनकी बीट, पेशाब वगैरह नापाक होता है, जैसे मुर्गी और बतख का नापाक है, या ये पाक होगा। तो देखिए भाइयों और बहनों, शरा का उसूल याद रखिए। तोहफतुल फुकाहा में है कि हलाल परिंदों में से वो परिंदे जो हवा में बीट करते हैं, जैसे कबूतर और उसकी मानिंद दीगर परिंदे, इन सब की बीट पाक है। अलबत्ता वो हलाल परिंदे जो जमीन पर बीट करते हैं, जैसे मुर्गी या बतख वगैरह, उनकी बीट नजस होती है। लिहाजा अगर इनको देखा जाए तो तोहफतुल फुकाहा के मुताबिक तीतर, चकोर और काला तीतर वगैरह ये उड़ते हुए भी बीट कर देते हैं। तो इस चीज को अगर देखा जाए तो इनकी बीट पाक है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।